अपनी समस्या बता सकते हैं, चाहे वो बिजली की हो। साहब जब भी कोई फोन करता है तो पूरा रिस्पांस मिलेगा, तो इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि आप ही लोग हमारी आंखें हैं, हाथ पैर हैं, और आपके ही दम पे हम लोग इन त्योहारों की हामी भरते हैं। मंगलवार को पंचायत भवन मुरादाबाद में आगामी त्योहारों को लेकर जिला स्तरीय अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी हेमराज मीणा, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एडीएम सिटी, एसपी यातायात, शहर इमाम सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अमन कमेटी की इस महत्वपूर्ण बैठक में समस्त सर्कल के सीईओ, विभिन्न थानों के प्रभारी सहित गणमान्य नागरिक व बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बैठक में 8 मार्च को महाशिवरात्रि और 11 मार्च को पवित्र रमजान जैसे त्योहारों को लेकर जहां बड़ी संख्या में मौजूद गणमान्य नागरिकों द्वारा विभिन्न मुद्दों को उठाकर अपने सुझाव दिए गए, वहीं पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने इन सुझावों को गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेने व इन पर अमल करने का आश्वासन वहां उपस्थित लोगों को दिया। एसएसपी हेमराज मीणा ने अपने संबोधन में वहां मौजूद गणमान्य नागरिकों का बीते एक वर्ष में उनको दिए गए सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। वहीं उन्होंने कहा कि मुरादाबाद को सांप्रदायिक सौहार्द और बढ़ते निर्यात के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद के भाईचारे की मिसाल दी जाती है। बीते समय में भी सारे त्योहारों को जनता ने पुलिस प्रशासन से सहयोग कर जिस तरह से संपन्न कराया है, उसके लिए वह मुरादाबाद की जनता के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि आपसी संवाद से ही बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार नागरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी घटना के बारे में अतिशीघ्र सूचना पुलिस को दें और शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें। आईएनएन न्यूज के लिए शांतनु राय की रिपोर्ट। आइए सुनते हैं पीस कमेटी में एसएसपी हेमराज मीणा द्वारा किए गए संबोधन की मुख्य बातें। मंच पर बैठे सभी अधिकारी और तमाम सभी वरिष्ठ हमारे सभी सहयोगी, देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप लोगों ने जो बातें बताई उन सब बातों का कोई निहितार्थ है। आप लोग जो बात करते हैं उसमें कुछ वजन होता है, जो वजन होता है तो फिर उसका मतलब भी निकलता है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पिछले मुझे लगता है 1.25 साल मुझे हो गया आप लोगों के साथ में, और इस बीच में जो आप लोगों ने इस जनपद का जो एक कम्युनल हारमोनी को बनाए रखने में, सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने में इन सभी लोगों ने, आप जो यहाँ बैठे हैं, जो सहयोग किया है उसकी तारीफ हम सब लोग करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। और आप लोगों ने कोई भी क्या त्यौहार लिया है बीच में, या फिर कोई चुनाव आया, कुछ भी आए, और ये बिल्कुल सही है, हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। बीच में तमाम तरह की चीजें होती रही है, असंतोष भी आप लोगों के बीच में रहता है, जो बीच में कुछ तारीफों के पुल गड़े जा रहे थे अतला और इसको लेकर, वो एकदम बिल्कुल सही है, वो समस्या है और वो समस्या का समाधान हो भी रहा है। अगर आप उसको देखेंगे तो उसका समाधान भी हो रहा है। कुछ तो चीज़ें होती है, समय लगता है कई बार, हम लोगों को लगता है कि क्यों हो रहा है, लेकिन कई बार वो टेक्निकल प्रॉब्लम समझ लो या जो भी प्रॉब्लम समझ लीजिए। लेकिन अभी आप देखेंगे इधर अंबेडकर पार्क के आसपास में, तो आप लोगों को वो परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा, शहर में चीज़ें ठीक भी हो रही है। तो तकलीफ अगर हम झेलते हैं तो फिर उसका कुछ रिजल्ट भी मिलता है। अब इस बीच में ये जरूर है कि दिक्कतें आप लोगों को निश्चित तौर पर हो रही होगी, कुछ रोड भी खराब है तो उनसे भी आपको दिक्कतें हो रही होंगी, लेकिन जो खराब चीजें होती है इसका मतलब ये है, उसका दूसरा पहलू ये भी है, जो खराब है इसका मतलब सही होने वाला है। अब आप कितने देर तक इसको बनाए रखते हैं, ये जो चीजें हैं उसको कितना अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, यही हम सब लोगों के लिए आने वाले जो टाइम है वो हम सबके लिए यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है हम सब लोगों की। हम लोगों ने एक साल से सब चीजों को मेंटेन किया है, एक साल से हम लोगों ने कोशिश करी कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो, और इस बीच में आप सब लोगों ने तमाम तरह के सहयोग भी किए। हम लोगों ने भी क्राइम को कंट्रोल करने से लेके आप सब लोगों के बीच में रह के आप सब लोगों की बातों को सुन के, और कहीं पर भी जहाँ तक कोशिश रही वहाँ तक सब लोगों को साथ लेकर चलने का पूरा प्रयास किया, आप सब लोगों को संतुष्ट रखने का भी प्रयास किया, और यही एक वजह है कि चीजें सही तरीके से चली आ रही है। लेकिन आने वाले टाइम में कुछ चीजें हैं, कुछ चुनौतियां हैं। एक जनरल इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, आप सभी को जानकारी है, निकट भविष्य में तुरंत उसमें आचार संहिता का अनाउंसमेंट हो जाएगा। इसी बीच में
त्योहार भी पड़ेंगे इसी बीच में, होली भी पड़ेगी तो इसी बीच में रमजान भी पड़ेगा इसी बीच में, अभियान अभी कावड़ शुरू होने वाली है, शिवरात्रि अभी 2-3 दिन बाद में पड़ने वाली है, और भी कई सारी चीजें हो सकती है आती रहेंगी, और ये सब यही एक जीवन का एक तरीके से कहेंगे कि यही सत्य भी है कि मुश्किलें आती है और फिर वो निकल जाती है, आती है निकल जाती है। पेशेंस बनाए रखने से, आपसी भाईचारा बनाए रखने से चीजें बहुत सही तरीके से निकल जाती है। जब हम अपना रोड वहां जाके एकदम बिल्कुल सिकुड़ जा रहा था, अब उसको क्या है चौड़ा तो कर दिया गया है, अब कभी खंभे में तार डाला जा रहा होगा, नीचे नाली भी बनाई जा रही होगी, तो कभी वहाँ रोड बनाया जा रहा होगा, तमाम चीजें टेंडर होता है, सरकारी पैसे से चीजें होती है। घर का काम भी हम लोग घर का काम शुरू करते हैं, मुझे लगता है सभी लोगों ने अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ तो कराया ही होगा शुरू, हम सोचते हैं एक महीने में करा लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई एक महीने में करा पाता, एक महीने का काम 3 महीने में जाके ही होता है, और वो भी तब जब लगातार उसमें लगे रहते हैं, तो ये एक समय ये होता है, ये सब चीजें जो बड़े काम जब होंगे, चीजें जब ठीक होती है तो उसका उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी हम लोग। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।